नीमच में लगातार बदलते मौसम और वायरल के कारण जिला अस्पताल का SNCU व शिशु वार्ड फुल हो गया। अब यहां अतिरिक्त बेड लगाकर मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। पिछले 7 दिनों में जिला अस्पताल के आंकड़ों को देखें तो यहां 1903 मरीज पहुंचे, जिनमें से 5 वार्डों में से 478 को भर्ती करना पड़ा। इनमें 35 डेंगू के ही मिले। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस बात का दावा कर रहा है कि रोजाना सर्वे अभियान चलाया जा रहा है और रोकथाम के प्रयास जारी है, लेकिन लगातार आते मरीज उनके इस दावे से मेल नहीं खाते। बारिश के साथ मौसम में आए बदलाव ने मौसमी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा दिया। जिला मुख्यालय पर राजमाता सिंधिया जिला अस्पताल की OPD 500 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा मौसमी बीमारी की चपेट में मासूम बच्चे आए, जिन्हें बदलते मौसम में डेंगू निमोनिया ने जकड़ लिया है। हालत ये कि नवजातों के 20 बेड का SNCU व उनसे बड़े 14 साल तक के बच्चों के लिए 30 बेड का शिशु वार्ड वर्तमान में हर समय फुल चल रहा है। ऐसे में अतिरिक्त बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर भी अब लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह देते हैं। डेंगू के मरीज आप डेली रिपोर्ट देख ही रहे हैं कि कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग भी नहीं है ना ही डॉक्टर का। और भीड़ पे भी आप देख सकते हैं कि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ना तो आपको मास्क दिखा जाएगा ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखी जाएगी। तो इसके साथ अपन दूसरी बीमारियों को भी और न्योता दे रहे हैं। प्रशासन को थोड़ी सी जवाबदारी लेनी चाहिए, भीड़ इकट्ठी ना करें, दूरी मेंटेन करें और प्रॉपर डॉक्टर टाइमिंग टू टाइमिंग अवेलेबल रहे ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। वो तो आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी जैसे रिपोर्ट की लाइन है, इसमें रिपोर्ट की भी लाइन है, जाँचों की लाइन है, सबकी लाइन है। इसी को भी अगर बाइफिकेट किया जाए तो इसमें भी कम हो सकती है भीड़। वो सारी व्यवस्था उनको करनी है, लेकिन वो ना तो प्रॉपरली कोई रेस्पॉन्स देता है, ना डॉक्टर टाइम पे आते हैं। वो सारी कमियां हैं, लेकिन अपन कमियां गिनाने से ज़्यादा अच्छा है कि वो इस चीज़ को समझें कि आगे और भी स्थिति बिगड़ सकती है, उसके हिसाब से डॉक्टर की नियुक्ति करें। काफ़ी हद तक कमी है, वो तो सब समझते हैं और सब जान भी रहे हैं सब चीज़ों में, हर सेक्शन में, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो या गायनोलॉजिस्ट हो, हर सेक्शन में कमी है, चाहे चाइल्ड स्पेशलिस्ट में हो, कहीं पे भी हो, प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह से आप सब देख ही रहे हैं भी डेंगू मलेरिया का प्रकोप नीमच और आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा है। और जिस तरह से आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, यहाँ लंबी लाइनें लगी, सुबह ब्लड देने के लिए आए तब भी लंबी लाइन, हमको 1 घंटा लग गया, अभी रिपोर्ट लेने के लिए भी लंबी लाइन है। जब तक रिपोर्ट लेंगे तो डॉक्टर्स का टाइमिंग आउट हो जाएगा, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिर हमको कल वापस उन्हें यहाँ पर दिखाने के लिए आना पड़ेगा। जब तक हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे, और यहाँ स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, डॉक्टरों की तो कमी यही है ना, आप देख रहे हैं जैसे कि इतनी लंबी लाइन है। अब इनको एक विंडो की बजाय या 2-3 विंडो करना चाहिए ताकि सब अपनी रिपोर्ट्स टाइम पर लेकर के डॉक्टर को दिखा सके और ट्रीटमेंट ले सके। मेन तो अभी आप देख रहे हैं सर्दी खांसी बुखार मलेरिया और डेंगू फीवर यहाँ ज़्यादा चल रहा है। डॉक्टर की तो कमी है, टाइम पर मिलते नहीं, क्योंकि टाइम पर वो भी कैसे मिलेंगे जब रिपोर्ट्स ही हमें यहाँ से लेट मिलेगी। हाल तो अभी बस ये है कि मतलब इनको स्टाफ की और व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को यहाँ लंबी कतारों में ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और पेशेंट को सही समय पर इलाज मिल सके। डेंगू मलेरिया चल रहा है और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, 2-2 बार लाइन में लगना पड़ता है, कोई ध्यान देता नहीं है, कुछ भी बोलते हैं करते तो आ जाओ। सुबह भी 2 बार लाइन में लग चुकी मैं आके, और अलग अलग लगाते, इतनी भीड़ लगी हुई है। किस तरह से मौसमी मरीज चलते हैं, हॉस्पिटल भरा हुआ है, हॉस्पिटल में लाइनें लग रही है, कोई रोल ही नहीं है, कभी खून की जांच, कभी कोई OPD शिफ्ट कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही है, टाइम पे खोल नहीं रहे हैं। देखिए, जो पहले OPD 50-60 पेशेंट आ रहे थे बच्चों की OPD में, वो करीब 10 गुना बढ़ गई है। अब 150 से भी ज़्यादा मरीज रोज़ प्रतिदिन आ रहे हैं, और जिसमें से डेंगू के मरीज रोज़ कम से कम 8-10 मरीज रोज़ हम डेंगू के देख रहे हैं, जिसमें से कम 3-4 को भर्ती करना पड़ता है। तो भर्ती की संख्या भी इतनी हो गई है कि एक बिस्तर पे हमें 2-2 मरीज रखने पड़ रहे हैं। डेंगू का ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हमारे पास इलाज है कि हम उसका इलाज कर लें और डेंगू सही हो जाएगा। डेंगू का हम उसको रोके डेंगू को होने से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बरसात हुई है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, तो पब्लिक को ये ज़रूरी है जानना कि डेंगू का मुख्य कारण जो है वो मच्छर है। ठीक है, तो जब हम मच्छर को कंट्रोल करेंगे, मच्छर को कंट्रोल करने का तरीका है कि आप पानी नहीं इकट्ठा होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, कहीं थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो रखा है तो उसमें डेंगू का मच्छर पनपता है, तो वो सब आप अपने घर के आसपास नहीं होने दीजिए। और अगर मच्छर काट रहा है तो फुल सारे स्लीव्स के कपड़े पहने, बच्चों को सारे कपड़े पहनाइए। ठीक है, और कोई भी अगर तेज़ बुखार आ रहा है तो शक रखिए, डॉक्टर को दिखाइए कि ये डेंगू हो सकता है। तेज़ बुखार के साथ अगर उल्टी है, बच्चे के शरीर पे लाल निशान हो रहे हैं, तो ये सारे लक्षण डेंगू की तरफ जाते हैं। तो अगर कोई तेज़ बुखार है, साथ में उल्टी है, बच्चे को पेट में दर्द है,
तो डेंगू की जांच करवाएं। बच्चों में जो भी बुखार इस वक्त चल रहे हैं या तो नॉर्मल वायरल फीवर्स चल रहे हैं, उसमें 3-4 दिन तक बच्चे को बुखार रहता है, हल्का फुल्का सांस लेने में तकलीफ होती है, तो खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से कम के, ऐसे बच्चों को डॉक्टर को दिखाएं, भर्ती करने की ज़रूरत है तो भर्ती करें। ठीक है, जो बड़े बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर डेंगू पाया जा रहा है, अगर तेज़ बुखार है तो डॉक्टर को की सलाह लें, घर पे बच्चे को आराम करवाइए, जितना हो सके पानी पिलाइए, ORS का घोल पिलाइए, क्योंकि डेंगू का एक ही इलाज है पानी, सबको भर्ती की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों का डॉक्टर को लगेगा भर्ती करने का, सिर्फ उन्हीं को भर्ती करने की ज़रूरत है, डेंगू का इलाज घर पे भी किया जा सकता है, सिर्फ सतर्क रहना है, टाइम टाइम पे जो डॉक्टर बोले वो जांचें करानी है, और घर में ही बच्चों को जितने भी तरल पदार्थ आप दे सकते हो वो देना है। अभी हमारे जो आंकड़े हैं हमारे पास, भर्ती मरीजों के आंकड़े हमारे पास जो हैं, पिछले 2 महीनों में हमने 25 मरीज करीब हमने भर्ती किए, जिसमें से सभी ज़्यादातर ठीक होकर के घर वापस गए हैं, एक भी मृत्यु नहीं हुई है। तो अगर हम सतर्क रहें डेंगू के प्रति, अब कोई भी बुखार आता है तो हम उसे डेंगू की तरह लेते हैं। नीमा सिद्दीक खतावे की रिपोर्ट।